हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे एक वचन के बारे में। एक वचन होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो एक वचन को हम अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक वचन की परिभाषा लिखना। शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध शब्द से जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो बोध होता है उसे एक वचन यानी सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें एक वस्तु होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वो वस्तु सिर्फ एक ही है उसे हम एक वचन कहते हैं। जिस भी शब्द से ये पता चले कि वो वस्तु सिर्फ एक है उसे हम एक वचन कहते हैं। या फिर एक होने की बात की गई है उसे हम एक वचन कहते हैं। सामान्यतः सामान्यतः एक संख्या के लिए एक वचन का वचन का प्रयोग किया गया है। समानता एक संख्या के लिए एक वचन का प्रयोग किया गया है। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे जैसे माता गाय छात्र नदी पुस्तक पत्ता बहन घोड़ा कलम लड़का नेता आदि। तो हमारा इन शब्दों से ये पता चलता है कि इसमें एक संख्या की बात की गई है या फिर एक वस्तु होने की बात की गई है। हम एक वचन उसे कहते हैं जिसमें एक शब्द एक होने की बात की गई यानी एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। समानता एक संख्या के लिए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। जिस भी शब्द से हमें ये पता चले कि वो वस्तु एक ही संख्या में है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि माता गाय छात्र नदी पुस्तक पत्ता बहन घोड़ा कलम लड़का नेता आदि। तो इनसे इन शब्दों से ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक संख्या में है इसलिए इसे हम एक वचन कहेंगे। अगर यहीं पे माताओं गायें छात्राएं या फिर नदियां पुस्तकें पत्ते
ये सब हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, क्योंकि उसमें एक से अधिक होने की बात की गई है। धन्यवाद।